हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के माननीय न्यूज सेशन में। दोस्तों, तीन काम हमें रोज करने चाहिए। पहला, जिससे हमारा भविष्य बेहतर बन सके, जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो कम से कम आपको 2 घंटे सेल्फ स्टडी में जरूर देना चाहिए। दूसरी बात, आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट जरूर करना चाहिए। और तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि आज का दिन भी आपके लिए व्यर्थ ना जाए, इसके लिए आज भी आप थोड़ी सी खुशियाँ लोगों को हंसवाओ और खुद भी हंस लो, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की माननीय न्यूज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शिक्षक भर्ती से। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन बहुत पहले लिए जा चुके हैं, लेकिन इस पर रोक लग गई थी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से, और अब ये रोक जो है वो हटा ली गई है। हालांकि यहाँ पर शिक्षकों के 558 पदों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 336 पद हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के 156 और प्रोफेसर के 66 पद शामिल हैं, और इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभिलेखों की स्क्रीनिंग भी की जा चुकी है, लेकिन इस पर रोक लगी थी, फिलहाल ये रोक हटा दी गई है, यानी कि अब इस पर आगे की जो प्रक्रिया होगी, आगे की जो कार्रवाई होगी, वो आगे बढ़ेगी। तो जितने लोगों ने भी इसमें आवेदन किया था उनके लिए अब नियुक्ति का मार्ग खुल गया है। एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा होती है दोस्तों, इसमें 4 चरण होते हैं, और जो तीसरे चरण की परीक्षा होनी है वो 29 दिसंबर को होनी है। फिलहाल 29 दिसंबर के बाद भी एक टेस्ट और होगा, स्किल टेस्ट, और उसके बाद नियुक्ति दी जाएगी। पदों की संख्या एसएससी हमेशा बाद में ही करता है, और इस बार एसएससी सीजीएल के जो पद निर्धारित किए गए हैं उनकी संख्या है 11,000 से अधिक। तो बहुत ही शानदार पद इस बार घोषित किए गए हैं एसएससी सीजीएल परीक्षा 2018 के अंतर्गत, और इसकी जो लिखित परीक्षा होगी तीसरे चरण की वो 29 दिसंबर को होगी, और तीसरे चरण की परीक्षा के बाद जो अभ्यर्थी इसमें सफल होंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, देन आफ्टर उनका अंतिम चयन कर लिया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार एसएससी मध्य क्षेत्र के तहत आने वाले यूपी और बिहार के 9,598 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि देश भर से इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इससे कई गुना अधिक रहती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग यूपी टेट के एग्ज़ाम डेट के बारे में। फिलहाल यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट लगाई गई है वो है 8 जनवरी। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2019 नए वर्ष में 8 जनवरी को हो सकती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को 8, 11 और 19 जनवरी को परीक्षा कराने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। शासन स्तर पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी है 8 जनवरी की। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि 8 जनवरी, अब तो समय बहुत ही कम बचा है, लगभग एक हफ्ते का ही समय है, तो क्या परीक्षा हो पाएगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह परीक्षा इसलिए हो सकती है क्योंकि इसकी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और परीक्षा केंद्र भी निर्धारित हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर परीक्षा संस्था की माने तो तय हो चुके केंद्रों पर ही इम्तहान कराया जाएगा। बस आपके लिए क्या करना है कि एडमिट कार्ड उनको जारी कर देना है, और संबंधित जिलों में प्रश्नपत्र और ओएमआर सीट आदि भी पहुँचाई जा चुकी है, इसलिए अलग से तैयारी तो करनी नहीं है। इसलिए परीक्षा मतलब कि इसकी जो डेट है वो 8 भी हो सकती है, हालांकि ये एक सिर्फ डेट संभावित तिथि है, तो इसके बारे में अभी कुछ भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। लेकिन देखिए, जो डेट हमें सबसे पहले मिल रही है उस पर ही हमें फोकस करना है, क्योंकि हम कोई अथॉरिटी तो है नहीं, और इस पर भी चिंतन मनन करके या फिर इधर उधर भटकना उचित नहीं कि एग्ज़ाम होगी, परीक्षा नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी। फिलहाल आपका जो समय है उसको आपको अपने स्टडी में अब तक आपने जो पढ़ा है उसको दोहराने में लगाना चाहिए, और आज से मैं आपके लिए रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप अपने सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकें। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो भी खबरें निकल के आती हैं अलग अलग अखबारों में, उसके बारे में भी मैं आपको रिव्यू जरूर देता हूँ, इसलिए हमारी न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, मान के चलिए कि परीक्षा अगर 8 जनवरी को ही होती है, फिलहाल 22 दिसंबर और 8 जनवरी यानी कि 15 दिन का समय आपको मिल गया, और अब से अब आपके पास एक हफ्ते का समय है, तो जितना भी आपने पढ़ा था, जो भी आपके पास नोट्स हैं, उसको आप फटाफट रिवाइज कर डालिए, और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, इस बार आप सफल जरूर होंगे। और देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीटेट का रिजल्ट भी, फाइनल रिजल्ट बहुत जल्द डिक्लेयर कर दिया गया। 8 दिसंबर को परीक्षा हुई और इसका जो अंतिम रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि उनका सर्टिफिकेट क्या उनके घर पर आएगा। तो दोस्तों, सर्टिफिकेट 2018 से पहले आता था, अब सर्टिफिकेट आपके घर तक नहीं आता है, और इसको आपको डाउनलोड करना होता है, और इसके लिए आपको डिजी लॉकर इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर में जाइए, डिजी लॉकर को इंस्टॉल कीजिए,
अपना आधार नंबर डालिए और मोबाइल नंबर डालिए, और उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको आपके डिजी लॉकर में दिखाई देगा, और डिजी लॉकर में आप अपने सर्टिफिकेट को प्रिंट भी कर सकते हैं हार्ड कॉपी के रूप में, कलर प्रिंट आउट लेके आप रख सकते हैं, ये आपके काम आता रहेगा। फिलहाल फ्रेंड्स बात करें तो सीटेट परीक्षा में इस बार बहुत अधिक संख्या में लोग सफल हुए हैं, कुल मिला के 5,42,000 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, और उसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार 3,12,558 महिलाओं ने बाजी मारी है, जबकि 2,29,718 पुरुषों ने परीक्षा इस बार पास की है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 28,32,120 कैंडिडेट थे, जिनमें से 24,05,145 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, और इस बार का जो आंकड़ा रहा वो 22.55% का रहा, और रिजल्ट ने तो रिकॉर्ड बना दिया, 19 दिन में ही इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आ गया है। फिलहाल फ्रेंड्स जो लोग इस परीक्षा में सफल हुए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। अब आपके लिए आगे शिक्षक भर्ती का मार्ग खुल गया है, आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट करिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, और जो लोग इस परीक्षा में इस बार सफल नहीं हुए हैं उनको बहुत अधिक नहीं, मात्र उनको 2-3 महीने का इंतज़ार और करना है, क्योंकि ये जो परीक्षा होती है सीटेट की वो यूजली साल में 2 बार होती है, जुलाई और दिसंबर में, तो दिसंबर का सेशन निकल गया, अब बचता है जुलाई का, तो जुलाई के लिए आप लोग कमर कस लीजिए, और इस बार हम लोग दुगनी मेहनत से तैयारी करेंगे और इस बार आप सफल जरूर होंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि नए साल में मिलेंगे नियुक्ति पत्र एलटी ग्रेड चयनितों को, लेकिन यहाँ पर जो एलटी ग्रेड में चयनित हो चुके हैं उनसे वो अभ्यर्थी जो टीजीटी में चयनित हुए हैं वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो रिक्वेस्ट क्या है, उन्होंने कहा है कि जो एलटी ग्रेड के चयनित अभ्यर्थी हैं उनके अभिलेख सत्यापन का काम पूरा हो चुका है, और नए वर्ष में 2020 में जनवरी में अब उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू कर दी जाएगी। उधर तमाम प्रतियोगी छात्रों ने एलटी ग्रेड के चयनितों से ये मांग की है कि अगर वो एलटी ग्रेड में चयनित हो चुके हैं तो टीजीटी 2016 के इंटरव्यू में शामिल ना हो, ताकि पद जो हैं वो 2 जगह ना भरें और जो अभ्यर्थी शेष बचे हैं वो लोग टीजीटी 2016 की परीक्षा में चयनित हो सकें। और यहाँ पर अगर बात करें पीसीएस के बारे में तो पीसीएस 2019 की परीक्षा में इस बार मात्र कितने पद थे, 300। इन पदों को बढ़ाने के बारे में मुख्यमंत्री को लिखा गया है, हालांकि ये जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और रिजल्ट के डिक्लेयर होने से पहले जितने भी पद इसमें प्राप्त होंगे वो जोड़ लिए जाते हैं। 2020 के लिए भी बहुत जल्द आवेदन शुरू हो जाएंगे और इसकी परीक्षा 21 जून को होनी है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और सीजीएल के बारे में ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप लोग एक काम कर लो, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोग सेवा योजन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लो, क्योंकि बहुत सारी नौकरियां आने वाली हैं जो कि सेवा योजन के माध्यम से ही आपको चयनित करेंगी। फिलहाल सेवा योजन विभाग की वेबसाइट पर ही बेरोजगारों को नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तो आप लोग sevayojan.nic.in पर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, इसमें कोई फीस आपको नहीं देनी है और ना ही किसी प्रकार से आपको कोई नुकसान उठाना है, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने में कोई नुकसान आपका नहीं है, इसलिए ये काम आप कर लें बहुत ही बेहतर रहेगा। UP SSC की परीक्षा जो कि टाल दी गई थी, ये परीक्षा अब 4 जनवरी को होने वाली है, मात्र 4-5 दिन अब शेष बचे हुए हैं और ये परीक्षा अब होने वाली है 4 जनवरी को। इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं, 1403 पदों के लिए परीक्षा होगी, और ये परीक्षा कहाँ कहाँ पर होगी, लखनऊ, अयोध्या, आगरा, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, सहारनपुर, सीतापुर और वाराणसी में 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा होगी पूर्वाह्न 10 बजे से 11:30 बजे तक और अपराह्न 3 बजे से 4:30 बजे तक। दोस्तों आपका एडमिट कार्ड भी UP SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है, जिसे आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड, और डाउनलोड एडमिट कार्ड पर आकर आपको क्लिक कर देना है, आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। सारी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट studywithgyanprakash.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें, एक मंगलमय और ऊर्जा से भरे दिन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, लगातार पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है, और हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचार ही रखें, क्योंकि नकारात्मकता जो होती है या जो नेगेटिव थाट्स होते हैं वो आपकी एनर्जी को लॉस कर देते हैं, उसको सक कर लेते हैं।
तो बेहतर क्या होगा, बेहतर होगा कि हम उन विचारों से ही दूर रहें जो हमारी ऊर्जा को हमसे छीनते हैं। हमें उन लोगों के पास रहना चाहिए जो हमारी ऊर्जा को हमारे अंदर वापस लाते हैं, हमें ऊर्जा भर देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।